अगर बात करूँ यहाँ पे पार्किंग के चार्जेस की, तो जो टू व्हीलर के पार्किंग के चार्जेस वो है 30 रुपीज जैसे कि आप देख सकते हो, और जो फोर व्हीलर के चार्जेस हैं वो हैं 50 रुपीज। सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू एपिसोड। और गाइज आज मैं आ चुका हूँ यार एनवाई सिनेमा पे, जो कि स्थित है कानपुर के मॉल रोड में। सो गाइज अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। तो चलिए आरंभ करते हैं। सो गाइज बैक इन द डेज जो एनवाई सिनेमा था उसको यार हीर पैलेस के नाम से काफी ज्यादा जाना जाता था कानपुर में, और यार ये बहुत ज्यादा चलता था। बट उसके बाद ये किसी कारणवश ये बंद हो गया और ये आज की डेट में एनवाई सिनेमा के नाम से है। और गाइज आज मैं आया हूँ गदर 2 देखने के लिए। सो पूरा रिव्यू करने वाला हूँ सिनेमा का और मूवी का। सो गाइज आज हमारे मूवी के साथी होने वाले हैं मिस्टर राज। हेलो। नाम तो सुना ही होगा आपने, नहीं सुना तो यार आप जाके चर्च वाला ब्लॉग देख सकते हो, ये पाए जाएंगे चर्च वाले ब्लॉग में। सो गाइज बात करूँ यार एनवाई सिनेमा की, तो आज की डेट में यार हीर पैलेस बन चुका है एनवाई सिनेमा, और यार बहुत ही बढ़िया बना रखा है यार। आपको जो है अंदर से भी मैं पूरा कवर करके दिखाने वाला हूँ। तो गाइस बात करूँ यार एनवाई सिनेमा की, तो यार ये जो है एक मल्टीप्लेक्स चेन है और जो कि ऑल ओवर इंडिया में है, और इसका जो है अभी एस्टेब्लिशमेंट चल रहा है और भी कई सारी जगह में। और बात करूँ इसके ओनर की, तो ओनर जो है वो है मिस्टर अजय देवगन। एन स्टैंड फॉर नाइसा एंड वाई स्टैंड फॉर यू। सो गाइस ये जो है यार ये मतलब अजय जी के जो है ये चिल्ड्रंस है, तो उन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। सो गाइस आप ये देख सकते हो यहाँ से आपकी होगी एंट्री, और जैसे ही एंट्री करोगे लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा टिकट काउंटर जहाँ से आप टिकट ले सकते हो। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको बोला यार आज मैं आया हूँ गदर 2 देखने के लिए, और यार गदर 2 जो है वो सीक्वल है गदर का, जिसमें जो है स्टार कास्ट जो है आपको पता ही होगा यार, सनी देओल हैं और अमीषा पटेल जी हैं एक्ट्रेस। सुबह सभी हम आ चुके हैं एनवाई सिनेमा के अंदर, और भाई बहुत ही बढ़िया बना हुआ है, देख सकते हो आप, बहुत बढ़िया देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। यहाँ पे आप बैठ बैठ सकते हो, बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल है, और यहाँ पे फूडिंग वूडिंग के लिए भी जैसे आप देख सकते हो, अगर आपको स्नैक्स स्नैक्स करने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया। वहां से आपकी होगी एंट्री, और जैसे ही आप एंटर करके आओगे यहाँ पे यार फूडिंग सेक्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्नैक्स करना है, पिज्जा है, पॉपकॉर्न है, समोसा से यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। और ये यहाँ पे रेस्ट रूम्स, और यहाँ पे जो है सिटिंग अरेंजमेंट भी ये दे रखा है, यहाँ पे आप बैठ सकते हो और काफी सारी फोटोज क्लिक कर सकते हो अंदर का, यार काफी बढ़िया लाइटनिंग है। और मैं तो ये बोलूंगा यहाँ पे आ रहे हो तो आप आधा घंटा पहले आ जाना तो आपको और बढ़िया लगेगा। सुबह आप ये देख सकते हो यहाँ पे यार बहुत बढ़िया मतलब लाइटिंग लगा रखी है, और यहाँ पे आप फोटोज वोटो क्लिक करा सकते हो अगर आपको फोटोज क्लिक कराने का शौक है तो। एंट्री से जैसे आप उसमें भी आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये एरिया मिल जाएगा, आपको ये राइट हैंड साइड पे मिल जाएगा फूडिंग सेक्शन, यहाँ पे आपको बैठने की जगह मिल जाएगी जो कि बढ़िया लग रहा है यार काफी। और ये आपको लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाएगा सेक्शन जहाँ पे आप फोटोज वोटोज वीडियोज ले सकते हो, और काफी ज्यादा ट्रिपी लग रहा है, काफी ज्यादा लग्जूरियस लग रहा है लाइटनिंग की वजह से। यहाँ पे यार एनवाई का मर्चेंडाइज स्टोर भी है जैसे कि आप ये देख सकते हो। और बात करो यार यहाँ पे जो स्क्रीन है, यहाँ पे टोटल 3 स्क्रीन है, मतलब ऑडी 1, ऑडी 2 और ऑडी 3। तो हमारा जो शो है वो ऑडी 2 में 9:30 का, तो अभी हम निकल रहे हैं देर ना करते हुए शो की तरफ, और बाकी बातें आपसे बाद में करते हैं। सो गाइस ये है ऑडी 2 और ऑडी 3 का रास्ता जो कि ऊपर लेके जाएगा हमें, और हमारा जो शो है जैसा कि मैंने आपको बोला ऑडी 2 में है। 11th and 12th. So guys, जो हमारा सिटिंग्स हैं वो हैं 11th और 12th. और ये है ऊपर स्क्रीन। हिंदुस्तान में तो खुशियों के बाजे बज गए। आज आप आ रहे
सो फिर बात करूँ यहाँ सीट्स की, तो यार सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, किक बैक सीट्स हैं, और इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, आपको कुछ पीने पाने के लिए लेना है यहाँ पे रख सकते हो, मतलब पानी वानी रख सकते हो यहाँ पे, कोल्ड ड्रिंक रख सकते हो, और ये देखो आप तो गाइज अभी हम आ चुके बाहर, इंटरमिशन है, और अब ये देख सकते हो यहाँ पे यार काफ़ी सारी फोटोज वोटोज क्लिक करने के लिए एरिया बने हुए हैं, और सोफ़ास लगे हैं, आप बैठ भी सकते हो, और यहाँ पे जो है यहाँ पे रेस्ट रूम है, और ये फूडिंग का सेक्शन है फर्स्ट फ्लोर पे, जो कि हमारा जो ऑडी 2 है वो फर्स्ट फ्लोर पे ही है। सो गाइज ये है यहाँ का वॉशरूम, और वहाँ से होगी एंट्री, और आप देख सकते हो वॉशरूम यार काफ़ी ज़्यादा क्लीन है यार। तो गाइस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस बात करो यार मूवी की, यार इंटरमिशन तक तो यार बेहतरीन है यार, और यार मतलब इमोशनल सीन्स काफी थे। अभी क्या है कि सेकंड पार्ट में आई होप काफी एक्शन देखने को मिलेगा, एंड बहुत अच्छा, मतलब सनी पाजी तो भाई छा गए, बाकी बातें अभी बाकी में। सो गाइस बात करूँ गदर 2 के कलेक्शन की, तो यार एक हफ्ते में ऐसा मैंने पढ़ा था कि 300 करोड़ कलेक्ट किया है इस मूवी ने। सो भाई बाकी बातें आपको मैं यार मूवी ख़त्म होने के बाद बताऊँगा, सो बने रहना इस वीडियो में। मत रो, मैं बहू लेके आऊंगा इस बार, डोंट वरी। सो गाइज अभी हो रहे हैं 12:30, और यार मूवी जो स्टार्ट हुई थी 9:30 पे स्टार्ट हुई थी, और अभी हो गई मूवी खत्म, और यार मूवी जो थी यार बहुत ही जबरदस्त थी यार। बात करो यार मूवी की, तो यार बहुत ही 2 घंटे 50 मिनट थी। हाँ जी आइए अपने फ्रेंड से लेता हूँ मूवी का रिव्यू। कितनी रेटिंग दूंगा मैं? अगर मैं रेटिंग की बात करूंगा तो यार मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। रेटिंग 5 में से? हाँ 4। थोड़ा क्या है कि एंटरटेनमेंट थोड़ा फैक्टर लाइक कॉमेडी वाइज, बाकी चीजें एक्शन वाइज अच्छा है, इमोशन वाइज अच्छा है, कॉमेडी है, लेकिन उतनी नहीं जितना हम एक्सपेक्ट करते। अच्छा कुछ चीजें हैं जैसे कि मेरे को लगा सनी पाजी तो अमेजिंग है, 66 साल के हैं वो, और यार उनका फिटनेस लेवल बहुत ही अमेजिंग है। अमीषा जी मेरे को थोड़ा सा ओवर एक्टिंग लगी मेरे को, और वो जो उत्कर्ष शर्मा थे जो लड़का था डायरेक्टर, अनिल शर्मा का बेटा है, एंड काफी बेहतरीन थी। और जो लड़की थी जिसका मुस्कान नाम था उसकी भी एक्टिंग अच्छी थी, एक्ट्रेस से काफी अच्छी एक्टिंग की। प्लस ये कहूंगा कि काफी अच्छी मूवी है, इस मूवी में भी यार काफी सारे मैसेजेस हैं, अगर आप लोग मूवी ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आने वाले हैं। सो गाइस बात करूँ यार यहाँ के इंटीरियर की, तो यार इंटीरियर बहुत ही जबरदस्त है, और यहाँ की जो मेजर हाइलाइटिंग है मैं ये बोलूंगा कि साउंड क्वालिटी जो है ना डॉल्बी एटमॉस की, भाई इसका कतई जहर, उसमें आपको कोई भी कमी नहीं आने वाली, कोई भी कमी फील नहीं होने वाली। सीट्स भी कंफर्टेबल थी, बढ़िया था, और यार जिस हिसाब से NY सिनेमा, मतलब थोड़ा इतना ज्यादा बड़ा नहीं है NY सिनेमा, लेकिन जितना है ना कतई गदर है, जैसे गदर ने गदर मचा दिया, ये सिनेमा भी मेरे हिसाब से आगे तक जाने वाला है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी सर्विसेज है, और मूवी जो थी राइट टाइम चालू हुई थी। बात करूँ यार अगर आपको यहाँ पे आना है मूवी देखने, तो मैं बोलूंगा थोड़ा इवनिंग में आओ, इवनिंग में यार सारी लाइट्स फ्रंट की ऑन होती है तो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है यहाँ का यार पूरा एम्बियंस। एक चीज और बहुत ही अच्छी लगी कि यार जो पुरानी गदर की जो 2001 में आई थी जो उसके सॉन्ग्स थे उनके साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया, ओके थैंक्स, ज्यादा खिलवाड़ नहीं किया, तो यार वो सॉन्ग जो है यार एवरग्रीन है यार। तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यार, ये मूवी यार वैसे तो मैं अकेले आ रहा था देखने के लिए, बट मेरे फ्रेंड से ऐसी बात हो रही थी तो यार वो मेरे साथ आया, और यार मतलब उसने खुद ही बोला, और उसने ऑल दो मूवी यार देख रखी थी बट फिर भी आया, तो यार मतलब आप समझ सकते हो कुछ कमाया नहीं कमाया, दोस्त तो कमाए यार। तो मैं करता हूँ मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, आई होप कि आज का व्लॉग यार आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शेयर भी कर देना। सो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर एंड आउट।